हरियाणा के गांवों की अब तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, ग्राम संरक्षण योजना के तहत प्रदेश का चौमुखी विकास किया जाएगा। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारी जुड़े। ग्राम संरक्षण योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि हमने राज्य में जन कल्याण और विकास के लिए सरकारी अधिकारियों के अनूठे सहयोग की एक नई पहल की है। जैसे निजी क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP है, उसी प्रकार इसे गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप GCP कहा जाएगा, जिसमें अधिकारी अपने कार्यालय के नियमित कार्यों के अलावा गांवों के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का चौमुखी विकास सुनिश्चित करने के अलावा सरकार राज्य के लोगों की सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सीएम खट्टर ने साथ ही कहा कि ग्राम संरक्षक योजना पर काम करके ये अधिकारी राज्य के हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार के लिए प्रमुख योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित सभी लोग गांवों के विकास में योगदान दें तो राज्य और अधिक तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि संरक्षक वेबसाइट www.intrahry.gov.in पर पंजीकरण कर पंचायतों का चयन कर सकते हैं। यदि वो गोद दिए गए गांवों को बदलना चाहते हैं तो संबंधित ADC से संपर्क किया जा सकता है। राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी और लोग जो गांव के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वो हरियाणा स्वयंसेवी कार्यक्रम की वेबसाइट समर्पण.हरियाणा.gov.in पर अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं।